नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 T20 मैच की सीरीज खेल रही है, जिसके 3 मुकाबले हो गए हैं और आखिरी 2 मुकाबले फ्लोरिडा में 6-7 अगस्त को खेले जाएंगे। भारत सीरीज में 2-1 से आगे है। भारत और वेस्टइंडीज का तीसरा मुकाबला 2 अगस्त को खेला गया था, जिसमें भारत ने मैच को 19 ओवर में 7 विकेट से जीत लिया था। उसके बाद खिलाड़ियों के पास 4 दिन का समय खाली था, मतलब चौथा मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में 6 अगस्त को खेलना है। ऐसे में खिलाड़ियों ने बचे हुए समय का प्रयोग घूमने फिरने में लगा रहे हैं। भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी खाली समय में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान और मुंबई इंडियंस में 7 खेल चुके किरण पोलार्ड से मिले। हार्दिक पांड्या ने इसकी तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह किरण पोलार्ड और उनकी फैमिली के साथ हैं। हार्दिक पांड्या ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, कैरिबियन की कोई भी यात्रा किंग के घर की यात्रा के बिना पूरी नहीं होती। पॉली मेरे प्रिय और आपका सुंदर परिवार, मेरे भाई मेजबानी करने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि हार्दिक और पोलार्ड काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक साथ काफी लंबे समय से मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। दोनों को IPL के समय काफी हंसी मजाक करते हुए देखा जाता था, लेकिन 2022 में मेगा ऑक्शन में हार्दिक पांड्या को MI ने रिलीज कर दिया और फिर हार्दिक गुजरात के कप्तान के रूप में IPL 15 खेले। चोट से वापसी करते हुए हार्दिक ने इस साल कमाल का प्रदर्शन किया है। बल्ले से भी रन बनाए और गेंदबाजी में भी विकेट चटकाते रहे हैं। हालांकि हार्दिक को आयरलैंड दौरे पर इंडिया का कप्तान भी बनाया गया था। और अब खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में भारत के उप कप्तान भी बन सकते हैं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।